हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारा फैशन बुटीक। और आज मैं आपके लिए गले का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर के आई हूँ बटरफ्लाई ऐड के साथ। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने ब्लाउज़ है कट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अस्तर के साथ अटैच कर लेना है आपने। जो हमारा ये बॉर्डर है बिल्कुल इसके किनारे किनारे आपको स्टिच करना है, जिससे कि हमें इसको सीधा करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो बेसिक स्टिचिंग है वो हम कंप्लीट करके रख लेते हैं, उसके बाद हम डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए, इसको सीधा कर लेना है हमने, और जो हमें टॉप स्टिच देना है बॉर्डर पर, यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे आपको एक स्टिच दे देना है इस तरह से, ये देखिए। तो ये हमारी जो बैक साइड है वो फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुकी है। अब देखिए, इसके बाद हमें इसमें बैक साइड की जो प्लीट्स होती है वो भी हमें ऐड कर लेनी है इसमें, और पक्का ज़रूर कर लें इसको स्टार्ट और एंड पे दोनों साइड पे। सेम इसी तरह से दोस्तों, दूसरे वाली जो टस्क है वो भी आपको कंप्लीट कर लेनी है, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए, टस्क हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आप इसको एक तरफ रख दें। और ये देखिए दोस्तों, मैंने बुकरम यहाँ पे ले रखा है, ये चार इंच हमारा जो है चौड़ाई में है, लेकिन हमें जो गले की जो चौड़ाई ले रहे हैं यहाँ पर वो हम 2.25 इंच ले रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बड़ा गला है तो हम यहाँ पर कम ही लेंगे इसकी चौड़ाई, और 1 इंच का यहाँ पर हमने मार्जिन भी ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए, जो गले की गहराई है वो मैं 10.5 रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं कम या ज़्यादा, जितना आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए, यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई रख रही हूँ इस तरह से, और इसको आपको सीधा मिला लेना है। यहाँ पे आप स्केल की हेल्प भी ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आप शेप देना चाहते हैं, राउंड शेप, पान शेप, हार्ट शेप, जो भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, 5 शेप यहाँ पे मैं दे रही हूँ इस तरह से, इसको डार्क कर लें, ये देखिए। अब हमारी शेप बन चुकी है। जो इसकी आउटर लेयर होगी वो हम थोड़ा सा यहाँ पे 1-1 इंच का इसके साथ आपको मार्जिन दे देना है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ। और जो यहाँ डाउन की तरफ है, बॉटम की तरफ, यहाँ पर आपको इस तरह से टेम्पल बनाना है, और सर्कुलर, सेमी सर्कुलर यहाँ पर छोटे छोटे राउंड्स बना लेने हैं, सो दैट ये टेम्पल जैसा लगने लगेगा जो हमारा डिज़ाइन है, ठीक है। अब इसको आपको कट कर लेना है, यहाँ पे कोई भी मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो भी आपने मार्किंग की है उसी के ऊपर आपको कट करना है। कॉर्नर शार्प रखें, जिससे आपको स्टिचिंग करते वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। आप देखिए, इसको ग्रिप अच्छी बना के इसको कट करना है, सो दैट ये जो आपके नेक है वो सही से कट हो जाए, ये देखिए हमारी नेक जो है वो कट चुकी है। अब देखिए, इसको जो हमारा फैब्रिक है उसके ऊपर रख के हमें इसको इस तरह से सेट कर लेना है, और इसको चारों तरफ से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है, ठीक है, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने जो ये फैब्रिक है 1/2 इंच मोड़ लिया है दोनों साइड पर, और इसको सेंटर पे हमने ब्लाउज पे भी सेट कर लिया है। अब यहाँ पे कैनवास के किनारे किनारे आपको सिलाई लगानी है। ध्यान रहे दोस्तों, जो बुकरम है उसके किनारे ही सिलाई लगाएं, बुकरम के ऊपर ना लगाएं, नहीं तो आपको पलटने में दिक्कत होगी, ठीक है। फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए इसके साइड साइड में ही आपको सिलाई लगानी है, और कॉर्नर्स यहाँ पर जो भी हैं तो वहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको करना है। फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे तो ये बहुत आसान है। ये देखिए, बिल्कुल किनारे किनारे हमने स्टिच कर लिया है इसको। अब इसको कट कर लेना है, थोड़ा सा मार्जिन देते हुए यहाँ पे 0.25 इंचेस का इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, राउंड शेप जहाँ भी होती है हम वहाँ पे कट लगाते हैं, ये
फिनिशिंग के लिए। और ये कॉर्नर को थोड़ा शार्प कर लें इस तरह से, और इसको यहाँ पे ध्यान रखें कि सिलाई ना कट जाए, ठीक है। अब इसको दोस्तों पलट लें, तो ये देखिए दोस्तों हमने पलट लिया है इसको। और यहाँ पे किनारे किनारे आपको टॉप स्टिच देना है, तो यहाँ पे देखिए टॉप स्टिच के साथ साथ हम यहाँ पे गोटा पट्टी का भी यूज़ कर रहे हैं, पतली वाली गोटा पट्टी है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें। बिल्कुल किनारे किनारे हम लगाएंगे। एक ही सिलाई में ये तैयार हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये देखिए एक्स्ट्रा है, आपको इसको कट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी किनारे वाली साइड है, यहाँ पे हम लेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने आधा इंच चौड़ी है ये लेस, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जैसा आप चाहें। तो यहाँ पे एक सिरा आपको जो ये हमारा पट्टी है, जो नेक हमने डिज़ाइन कट किया हुआ है उसके ऊपर आएगा, और एक नीचे की तरफ आएगा हमारे जो मेन फैब्रिक है। इस तरह से ध्यान रखते हुए आपको इसको स्टिच करना है। और यहाँ पे जो हमारे सेमी सर्कुलर कटवर्क हैं और ये जो टेम्पल है, तो इसको आपको सही से डिज़ाइन देखते हुए इसको आराम से स्टिच करना है, सो दैट जो डिज़ाइन है हमारा वो बरकरार रहे। ये देखिए इस तरह से। अब ये दूसरी वाली साइड पे भी आपको स्टिच कर लेना है, जिससे कि जो लेस है हमारी वो अच्छे से सेट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। इसी तरह से सारा आपको कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, गला बनाना इतना भी मुश्किल नहीं होता है, और ये मैं जो भी गले लाती हूँ मैं बहुत आसान ही लाती हूँ, ताकि आपको बनाने में कोई इशू ना आए। तो ये देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारा नेक जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसके लिए बटरफ्लाई बनाने वाले हैं, जो इसमें हम बीच में सेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बटरफ्लाई बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक बुकरम था, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए 4 इंच हमने चौड़ाई ली है, 4 इंच ही हमने इसकी गहराई ली है। इस तरह से हमने इसको ले लिया है, और यहाँ पे देखिए 1.5 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमने एक लीफ पैटर्न इसको देना है, लीफ का जो डिज़ाइन है इस तरह से देना है, और वहीं नीचे की तरफ से भी इसको सेम इस तरह से दे देना है। और कोई भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, इसको कट कर लेना है मार्किंग पे ही। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये बटरफ्लाई विंग्स के जैसे एक कटआउट आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको आपको कपड़े से कवर करना है। तो ये देखिए मेरे पास जो हमारा फैब्रिक है उसका बॉर्डर है, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे बटरफ्लाई विंग्स के लिए। और इसको इस तरह से पहले एक सिंगल सिलाई से अटैच कर लें दोनों कपड़ों के साथ इस तरह से। ऐसा करने से आप ये जो है ना किनारे किनारे चारों तरफ सिलाई आसानी से कर सकेंगे, कपड़ा मूव नहीं होगा बुकरम, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बुकरम पे किनारे किनारे हर तरफ से सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ नीचे की तरफ से आपको करीब 1.5 इंच या 2 इंच आप छोड़ दें, जिससे इसको सीधा करने में आसानी हो जाएगी हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए बुकरम के किनारे ही इसमें भी स्टिच करना है, क्योंकि जहाँ भी हमें पलटना होता है तो वहाँ पे हम बुकरम के किनारे किनारे ही सिलाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हमने बीच में 2 इंच छोड़ दिया था। और दोस्तों इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लें, और ये छोटे छोटे कट मार्क बना लें, और इसको सीधा कर लें, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सीधा करके रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पे डेकोरेट करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ, उसी लेस का जो हमने अभी अपने गले में यूज़ की थी। इसी तरह से आपको इसकी शेप जैसी है वैसी ही रखें, ठीक है। अब इसमें जो है नीचे की तरफ भी इस पर आपको स्टिच कर लेना है, जिससे कि जो लेस है हमारी वो अच्छे से सेट हो जाए इस तरह से, ठीक है।
तो अब इसको आपको मेन हमारा जो डिज़ाइन है उसके ऊपर सेट करना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए मैंने पिन अप करके रेडी कर लिया है इसको। अब आपको यहाँ पे स्टिच करना है, इसको पक्का कर दें यहाँ पे, ठीक है। और जो हमने पहले से गोटा पट्टी यहाँ पे लगाई हुई थी उसी के ऊपर ही आपको स्टिच कर देना है, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखिए कितनी सफाई से हमारा जो गला है वो बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए ये विंग्स को यहाँ पे निकालते टाइम पे यहाँ पे भी आपको पक्का कर लेना है अच्छे से, ये देखिए। तो दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा आज का रेडी है ब्लाउज़ का, बहुत ही खूबसूरत है। और आपको ये हमारा आज का डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।